राजगढ़ जिला मुख्यालय पर एक 10 साल की बच्ची ने कलेक्टर से खुद को बचाने की गुहार लगाई है। महिलाओं के लाल चुनर नाम के संगठन ने भी बच्ची के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हम आपको बता दें कि परिवार से त्याग दी गई या अन्य समस्याओं से परेशान महिलाओं ने लाल चुनर नामक एक संगठन बनाया है। इनमें फूलखेड़ी गांव की 10 साल की एक बच्ची भी शामिल थी जो कलेक्टर से गुहार लगा रही थी कि मेरे पिता की मौत हो चुकी है, मैं अपने नाना मामा के यहाँ रहती हूँ, मेरे चाचा ने पैसे लेकर मेरा सौदा कर दिया है और अब वे शादी के लिए दबाव बना रहे हैं, उठा के ले जाने की धमकी दे रहे हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे बचा लो कलेक्टर साहब। तो वहीं कलेक्टर निधि निवेदिता ने मामला संज्ञान में लेते हुए जाँच का आश्वासन दिया है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। चौहाने में मेरी मम्मी काम करके मुझे पढ़ाती है और मैं कुछ बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे गांव वालों ने मेरी सगाई कर दी और वो बोलते कि अगर नहीं आए कैसे नहीं आएगी उसकी शादी कर देंगे, और मेरी सगाई कर दी, मेरी बड़ी बहन की भी सगाई कर दी है और उसको तो 2 साल से उठा ले गए थे, वो छोटी थी तब। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सिक्स्थ में पढ़ना चाहती हो? किसने की है सगाई आपके परिवार में से कौन है? हमारे चाचा जी। धमकी कौन लोग देते हैं कि उठा ले? वो ही देते हैं कि कैसे नहीं आएगी उठा के ले आएंगे। चाचा जी उठवाने की धमकी देते हैं। और मैं मेरे नाना जी के यहाँ रहती हूँ, मामा भी नहीं है, पापा भी नहीं है, भाई भी नहीं है। मध्य प्रदेश